जिंदाबाद सभी साथियों को वनकम एस मीरा संगमित्रा जी एस रिकमेंडर। आज सभी का स्वागत है इस जन आवाज और जन सरोकार के केंद्रीय बजट के चर्चे पे। आज ये चौथी चर्चा है। इस चर्चे के पीछे ये कारण था कि हम जो ये बजट प्रोसेस है और बजट के जो भी ये ज्यादा भारी शब्द यूज किया जाता है उससे हम हटकर एक सिंपल और बहुत ही सिंपल तरीके से लोगों को ये समझा पाए कि बजट में क्या रहता है और ये हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं विद्या विश्वनाथन जी और किरण बिस्सा जी वक्ता के तौर पे, और नचिकेत जी इसको मॉडरेट करेंगे। नचिकेत जी एमकेएसएस के साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं और जन सरोकार के सचिवालय में भी शामिल हैं। तो नचिकेत जी, ओवर टू यू। थैंक यू। धन्यवाद शुभम। तो बिफोर वी बिगिन, ये हम हिंदी में करने वाले हैं, सो वील बी डूइंग दिस इन हिंदी बिकॉज वी फेल्ट दैट देयर इज ऑलरेडी क्वाइट अ बिट ऑफ कंटेंट इन इंग्लिश, सो वी थॉट फॉर हिंदी स्पीकर्स ऑल्सो देर शुड बी कंटेंट, सो प्राइमरीली दिस इज एड्रेस टू हिंदी ऑडियंस, बट वी हैव 3 साउथ इंडियन स्पीकर्स, so please bear with us, and we also fully empathize with the English speaking people who have joined. I also have struggled to pass my Hindi exam in my boards, so I fully understand, but this is primarily for Hindi audience, so we'll be in Hindi. आज ये जो हम बजट पे चर्चा का एक श्रृंखला कर रहे हैं जन आवाज और जन सरोकार के तरफ से, उसमें आज पर्यावरण और कृषि के मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। तो इसमें ऐसा है कि दोनों वक्ता लगभग 15 मिनट के लिए बोलेंगे और उसके बाद थोड़ा सवाल जवाब के लिए भी समय रहेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि लगभग 1 या 1.25 घंटे में इसको खत्म करें। तो शुरू करते हैं। आज 2 वक्ता हमारे साथ हैं, तो फिलहाल मैं पहले वक्ता का परिचय देता हूं। पर्यावरण के बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए विद्या जी जुड़े हैं, विद्या विश्वनाथन। विद्या पहले सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च CPR में काम करती थी और पर्यावरण के मुद्दों पे काफी इन्होंने काम किया है, नीति और पॉलिसी के मुद्दे पे, और अभी सोशल अकाउंटेबिलिटी फोरम फॉर एक्शन रिसर्च जिसका नाम संक्षेप में सफर है, तो सफर के साथ जुड़ी हैं और वहाँ शामलात के मुद्दों पे काफी काम कर रही है। और पहले भी जन सरोकार ने जब बजट पे अपनी प्रतिक्रिया और जारी की है, तो पर्यावरण के मुद्दे में जो हमने एनालिसिस किया है उसमें विद्या ने बहुत उसमें मदद किया है उसको तैयार करने में। तो और समय ना लेते हुए मैं विद्या को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो अपनी बात रखे इस बजट में पर्यावरण को लेके, क्या क्या है या क्या नहीं है। विद्या। शुक्रिया नचिकेत। सबसे पहले तो मेरी आवाज सबको अच्छे से आ रही है? जी जी जी, बहुत बढ़िया, लाउड एंड क्लियर, वेरी गुड। शुक्रिया सभी को। सबसे पहले तो शुक्रिया को ऑर्गेनाइजर्स को कि आज मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है इस सत्र में। दूसरा, मैं चर्चा करने से पहले बताना चाहूंगी कि जो पर्यावरणीय संबंधित घोषणाएं हुई हैं बजट में, इसके ऊपर चर्चा मैं 2 भागों में करूंगी। पहले भाग में हम सिर्फ ये समझेंगे कि ऐसी कौन सी बजट में घोषणाएं हुई हैं जो पर्यावरणीय संबंधित हैं, और दूसरे भाग में उसके ऊपर थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे कि
क्या ये घोषणाएं वाकई में पर्यावरण के लिए अच्छी हैं, क्या उसके लिए लाभदायक रहेंगी, क्या जो समुदाय जो स्थानीय लोग पर्यावरण से जुड़े हुए हैं उनके लिए लाभदायक रहेंगी या नहीं रहेंगी, पर्यावरण ने क्या खोया क्या पाया इस बजट से, उसके बारे में मैं दूसरे भाग में बात करूंगी। तो पहले अगर मैं शुरू करूं तो हमारे वित्त मंत्री ने जब बजट की स्पीच में जब बजट की घोषणा करी तो 7 प्राथमिकता क्षेत्र के बारे में बात की है जिसको उन्होंने सप्तऋषि भी कहा था अपने बजट स्पीच में। उनमें से एक प्राथमिकता क्षेत्र ग्रीन ग्रोथ का रहा है, जिसको अगर हम हिंदी में अगर मैं ट्रांसलेशन करूं तो हरी वृद्धि, या अगर हम बोलना चाहे तो पर्यावरणीय अनुकूल ऐसी आर्थिक वृद्धि के बारे में, जो कि स्कीमें जो पॉलिसियां पर्यावरणीय अनुकूल या संबंधित रहती हैं। तो ये प्राथमिकता क्षेत्र बजट में ही 7 क्षेत्रों में से एक क्षेत्र निर्धारित किया था। तो ये काफी अच्छी बात है क्योंकि इस बजट में जो ग्रीन शब्द है, मैं उन साथियों को बताना चाहूंगी जो थोड़ा सा इस भाषा से नहीं है वाकिफ, ग्रीन शब्द जब हम पर्यावरणीय पॉलिसी कानून के संदर्भ में जब इस्तेमाल करते हैं तो उन स्कीमों और पॉलिसियों के लिए करते हैं जो कि पर्यावरणीय अनुकूल रहती हैं। तो यही ग्रीन शब्द का जो प्रयोग इस बजट में 23 बारी किया गया है, जो कि मेरे हिसाब से पिछले कई वर्षों के बजट्स में इतिहास में पहली बार इतना ज्यादा इस शब्द का प्रयोग इस बजट में वित्त मंत्री ने किया है। उसके साथ सस्टेनेबिलिटी जो वर्ड है दैट हैज बीन यूज्ड जो 9 बारी इस्तेमाल किया गया है। तो कहीं ना कहीं ऊपर से पढ़ते हुए जितने भी पॉलिसी रिसर्चर्स हैं पर्यावरण के ऊपर जो काम करते हैं वो काफी एक्साइटेड थे इस बजट स्पीच को लेके, पर कितना एक्साइटमेंट जारी रहा है वो हम बाद में बात करेंगे। पर ये बस ये मैं कहना चाहती हूँ कि ऊपर से अगर देखा जाए तो बजट का कहीं ना कहीं फोकस ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन शब्द, पर्यावरणीय अनुकूल, पर्यावरणीय संबंधित स्कीमों और इनिशिएटिव्स पे रहा है। आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें तो लगभग 90,000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट की घोषणा की गई है पर्यावरणीय संबंधित स्कीमों और पॉलिसियों के लिए। मैं बहुत डिटेल में नहीं बताना चाहूंगी क्योंकि हमें हमारे पास समय की कमी है, पर अगर मोटा मोटा उस 90,000 में अगर 4-5 जो स्कीमें हैं उसके बारे में बात कर पाऊं तो 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, जिसको न्यायपूर्ण ऊर्जा संक्रमण भी कहा जाता है हिंदी में, उसके लिए कहा गया है। सीधी भाषा में अगर हम इसके बारे में सोचे तो दूषित ऊर्जा स्रोतों जैसे कि कोयला है उससे हटके हम स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की तरफ जाए, जिसमें आपका सूर्य ऊर्जा हुआ, वायु ऊर्जा हुआ, उसकी तरफ बढ़ने के लिए जो इनिशिएटिव है उसके लिए 35,000 करोड़। वैसे ही उसी संदर्भ में 20,000 करोड़ लद्दाख रीजन में रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा के लिए के प्लांट लगाने के लिए निर्धारित किए हैं। सबसे बड़ी बात है कि 2 मंत्रालय जो कि पर्यावरणीय और वन मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का जो सालाना बजट है उसमें 24% से 45% की बढ़ोतरी की गई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को 24% ज्यादा सालाना बजट एलोकेशन हुआ है इस साल 30,000 करोड़ का, और वहीं पे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है उसमें 45% की बढ़ोतरी की गई है बजट एलोकेशन में, जो कि कुछ 10,000 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा एक गोबरधन स्कीम है जिसके अंतर्गत 10,000 करोड़ की बजट घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत बायोगैस प्लांट जो कि घर का गीला कूड़ा और गोबर से ऊर्जा जो हम उत्पादन करते हैं उन प्लांट्स का एस्टेब्लिशमेंट होगा, कुछ 500 प्लांट्स के बारे में बात की गई है और ये शहरी और गांव के इलाके दोनों में की जाएगी देश भर में। और एक है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन में जिसमें 19,000 करोड़ का बजट एलोकेशन है। तो ये तो 90,000 करोड़ का थोड़ा मोटा मोटा एक ब्रेकअप सा मैंने आप लोगों के सामने रखा है। इसके अलावा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम्स भी इस बजट में सरकार ने घोषणा करी है।
एक है मिष्टी, जिसका अगर मैं फुल फॉर्म बोलूं तो है मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम्स। मैनग्रोव एक ऐसी वनस्पति, एक ऐसा वृक्ष है जो तटीय इलाके में आपको मिलता है, जहां पे समुद्र का तट है वहां पे ये वृक्ष, ये वनस्पति मिलती है, और इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है वहां के जल जीवन का संतुलन बनाने में और उस तटीय क्षेत्र की सुरक्षा करने में। जब वहां पे बाढ़ आता है या तूफान आता है तो ये वनस्पति और वृक्ष उस एरिया का, उस क्षेत्र का काफी अच्छा सुरक्षा करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वनस्पति है, तो इसके लिए, इसकी प्लांटेशन के लिए एक अलग से स्कीम पहली बार बनाई है सरकार ने और बजट में इसकी घोषणा करी है। इसका नाम रखा है मिष्टी। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है वो है अमृत धरोहर, जिसमें आर्द्र भूमि जो कि वेटलैंड्स है उनके संरक्षण के ऊपर काफी चर्चा करी है। मेरे एक्सपीरियंस में ये पहली बार है कि बजट में वेटलैंड्स के ऊपर, आर्द्र भूमि के ऊपर कोई स्कीम के बारे में बात की गई हो, जो कि अगेन बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे इकोलॉजिकल हैबिटेट्स होते हैं। एंड लास्टली जो एक काफी इंटरेस्टिंग स्कीम है वो है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, जो कि हमारे पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत बनाया जाएगा। वैसे तो बजट के स्पीच में अगर हम देखें तो ज्यादा इसके बारे में डिटेल्स नहीं दी गई हैं, पर अगर मोटा मोटा ऊपर से समझने में इतना ही आया है कि एक प्रोत्साहन देने वाला स्कीम रहेगा, जहां पे आप और मेरे जैसे लोग, आम लोगों के लिए, उद्योगपतियों के लिए या जो स्थानीय सरकारी विभाग है उनके लिए प्रोत्साहन रहेगा कि जो भी उत्पादन की प्रक्रियाएं हैं उनमें ऐसे बदलाव लेके आए ताकि उन प्रक्रियाओं से पर्यावरण पे दुष्प्रभाव कम पड़े। अब ये किस तरीके का प्रोत्साहन रहेगा, क्या इसमें पैसा मिलेगा एज एन इंसेंटिव, क्या कोई सर्टिफिकेशन मिलेगा, इसके बारे में चर्चा नहीं की है। तो ये जो भी स्कीमें हैं इनका एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, कौन इनकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होंगी, समुदाय का इसमें क्या क्या भाग रहेगा, इसके बारे में अभी बजट में नहीं बताया गया है, पर हो सकता है आगे आने वाले दिनों में इसके ऊपर अच्छे से हमें विस्तार में बताया जाए। तो ये तो हुआ पहला भाग कि एक्चुअली पर्यावरणीय संबंधित कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घोषणाएं क्या रही थी बजट में, जो कि हमारे वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को किया था। अब मैं इसके बाद दूसरे भाग की तरफ बढ़ती हूँ, अगर किसी के पास सवाल नहीं है तो मैं दूसरे भाग की तरफ बढ़ती हूँ। दूसरे भाग में मैं पहले तो ये बोलना चाहूंगी कि सिर्फ ग्रीन शब्द का इस्तेमाल कर देने से हमारा बजट ग्रीन नहीं हो गया है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि इस बजट में 23 बार वित्त मंत्री ने ग्रीन शब्द का प्रयोग किया है, पर ये ताज्जुब की बात है कि जलवायु परिवर्तन, जो कि क्लाइमेट चेंज, जो कि विश्व भर में इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है, हमें ये काफी सारे ऐसे इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और स्टडीज भी आ चुकी है जहां पे ये बोला गया है कि भारत उन 7-8 देशों में से है, जो विश्व भर में उन 7-8 देशों में से है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन का रहेगा आगे आने वाले कुछ सालों में। इतने बड़े मुद्दे के बावजूद भी क्लाइमेट चेंज का मेंशन या इस शब्द का प्रयोग एक बारी भी बजट में हमारे वित्त मंत्री ने नहीं किया, तो ये काफी ताज्जुब की बात है। दूसरा मैं ये बोलना चाहूंगी कि एक तरफ से हमारे सामने वित्त मंत्री ने काफी अच्छे स्कीमें रखे, जैसे मिष्टी, अमृत धरोहर जैसे, जो कि मैनग्रोव्स के संरक्षण के लिए है, संरक्षण के लिए जो स्कीमें रखी हैं, पर वहीं पे दूसरी तरफ से यही सरकार ऐसी परियोजनाएं पास भी कर रही है जिससे वही पर्यावरण का संरक्षण खतरे में है। तो मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि अभी जो हाल ही में जो एक विरोध आपको आप सभी ने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर्स में भी, कि स्थानीय लोग निकोबार आइलैंड के कितना विरोध कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं कि ऐसी परियोजनाओं का अप्रूवल और पास किया जा रहा है जिससे अभी जो मौजूद मैनग्रोव्स हैं, कुछ कम से कम 12 से 25 हेक्टेयर में लगे हुए मैनग्रोव्स की कटाई होगी। तो एक तरफ से ये सरकार बजट में मिष्टी जैसे स्कीम्स का
घोषणा करिए और दूसरी तरफ से ऐसी परियोजनाओं को भी पास करिए जो मौजूदा हमारे पास वृक्ष हैं, वनस्पतियां, उनका उनका नाश हो जाए। तो ये थोड़ा कुछ समझ नहीं आया कि ये किस तरीके का संतुलन ये सरकार बनाना चाहती है। वहीं पे साथ ही साथ आप अगर हम वेटलैंड्स के बारे में बात करें या मैनग्रोव्स के बारे में ही संरक्षण के बारे में या तटीय क्षेत्र के संरक्षण के बारे में बात करें तो दूसरी जगह सागरमाला जैसे एक बड़ा प्रोजेक्ट भी हमारे प्राइम मिनिस्टर का है जिसका अगेन पर्यावरण पे बहुत बड़ा दुष्प्रभाव होने वाला है। 200 माइनर पोर्ट्स, 236 मॉडर्नाइजेशन पोर्ट्स के बारे में बात की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये बैलेंस समझ नहीं आ रहा है कि सरकार करना क्या चाह रही है। तीसरा मैं बोलना चाहूंगी कि ग्रीन ग्रोथ के अंदर पर्यावरणीय संबंधित घोषणाओं में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 90,000 करोड़, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उतना बजट की घोषणा की गई है। बट वहीं पे इसी बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे 10,00,000 करोड़ की घोषणा की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में आप ऐसी परियोजनाएं पाएंगे जैसे कि हो गए रेल, सड़क, हवाई अड्डे, जहाजों के लिए। और हम सभी को मालूम है जब ये परियोजनाएं आती हैं सबसे ज्यादा प्रभाव पर्यावरण पे पड़ता है, क्योंकि इन सारे बड़े बड़े परियोजनाओं के लिए जो जमीन जाती है या वो जंगलों की जमीन जाती है, चारागाह की जमीन जाती है, तटीय क्षेत्र में जमीन जाती है, और इन सारी जमीनों पे जो निर्भर हमारे असुरक्षित समुदाय है उनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो एक तरफ से तो आप 90,000 करोड़ पर्यावरण के संबंधित स्कीमों पर लगा रहे, पर दूसरी तरफ 10 गुना ज्यादा पैसा आप उन परियोजनाओं पे लगा रहे हैं जिनकी जिसके वजह से पर्यावरण आज खतरे में है। तो ये चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर हमें इस बजट का पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव है क्या प्रभाव नहीं है ये समझना है, तो सिर्फ उन स्कीमों पे ध्यान दे के नहीं फायदा होगा जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट एनवायरमेंट पे, हमें उन स्कीमों पे, उन इन्वेस्टमेंट्स पे भी ध्यान देना होगा जिनका कहीं ना कहीं ये कैंसिलेशन एक इफेक्ट पड़ेगा जो कि ये सरकार एनवायरनमेंट के लिए करना चाह रही है। और ये बेसिकली ये जो डायकोटमी है या ये आयरनी है जिसको हम देख रहे हैं इस बजट में, ये भी बताता है कहीं ना कहीं ये ताज्जुब की बात तो है या आश्चर्यजनक तो है कि एक तरफ से हम बोल रहे हैं हमें संरक्षण करना है, दूसरी तरफ से हम वही परियोजनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं जिसकी वजह से हमें संरक्षण करना पड़ रहा है। पर ये कहीं ना कहीं सरकार कितनी गंभीर रूप से पर्यावरण के बारे में सोच रही है इसके ऊपर भी बात दर्शाता है। चौथी बात मैं बोलूंगी कि जो 35,000 करोड़ का एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में बात की गई थी कि स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बदलाव के लिए जो 35,000 करोड़ की घोषणा हुई है, वो कहीं ना कहीं बड़े ताज्जुब है कि वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को दिया गया है जो कि ऑलरेडी एक दूषित ऊर्जा का उत्पादन करती है। तो ये समझने में नहीं आ रहा है कि ये एनर्जी ट्रांजिशन किस तरीके से मंत्रालय करेगा और इसका क्या योगदान रहेगा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन की तरफ। तो ये कुछ पहेलियां हैं जो कि मेरे हिसाब से आगे आने आने वाले दिनों में थोड़ा सा और क्लैरिटी बनेगी जब थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन प्लान आएगा। पांचवी बात है कि पूरे बजट में वायु प्रदूषण के ऊपर एक शब्द भी नहीं कहा गया है जो कि बहुत ही ताज्जुब की बात है, क्योंकि वायु प्रदूषण, मैं दिल्ली क्षेत्र की निवासी हूँ, यहाँ पे साल में 6 से 7 महीने हम साफ हवा नहीं पाते हैं और ये इशू, ये जो मुद्दा है सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि बाकी शहरों में, गांव में भी बढ़ती जा रही है। और वायु प्रदूषण के इतने बड़े मुद्दे के बावजूद भी बजट में कुछ भी इसके लिए सक्रिय रूप से नहीं कहा गया है, तो ये थोड़ा चिंताजनक है। लास्ट में ये बात कहना चाहूंगी कि बजट की स्पीच में अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे हमारे वित्त मंत्री का स्पीच, तो उन्होंने खुद ही कहा है कि 29,000 बदलाव किए गए हैं कानूनी नीतियों में फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये आपके और मेरे फायदे के लिए नहीं पर उद्योगपतियों के फायदे के लिए ये 29,000 बदलाव किए गए हैं नीतियों में। और इन नीतियों में जो कि मेरा एक्सपीरियंस है, इनमें ज्यादातर बदलाव उन अधिनियमों, उन कानूनों में आया है जो पर्यावरण से संबंधित है, जिसकी वजह से पर्यावरण पे और ज्यादा खतरा बढ़ा है। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी अपनी बात समाप्त करने से पहले कि एक तरफ हमें थोड़ी सी आशा लगी बजट सुनते हुए पढ़ते हुए कि शायद ये सरकार कुछ करना चाहती है, बट दूसरी तरफ जब
अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा, तो ये लग रहा है कि सरकार एक हाथ से थोड़ा सा कुछ दे रही है और दूसरे हाथ से बहुत कुछ छीन रही है। और पहला विचार जो हम सभी साथियों के दिमाग में आ रहा है कि जो पर्यावरण के ऊपर काम करते हैं, कि जिस तरीके की गंभीरता से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हम पे आ रहे हैं, जिस तरीके के हीट वेव्स हमने पिछले साल देखे, जिस तरीके के क्लाइमेट चेंज के प्रभाव एग्रीकल्चर पे दिखने को मिल रहे हैं, हमारी आम जिंदगियों पे दिखने को मिल रहे हैं, उसके हिसाब से जो कदम इस सरकार को उठाने चाहिए वो कदम कहीं नहीं दिख रहे हैं इस बजट में, बल्कि वो सोच भी नहीं दिख रही है कि हमें कुछ कदम उठाने हैं इस जलवायु परिवर्तन को रोकने में। मैं यहीं पे समाप्त करूंगी, अगर कुछ सवाल हैं तो हम उनके बारे में बात कर सकते हैं। थैंक यू। ये सवाल जवाब हम आखिर में करेंगे किरण को भी सुनने के बाद, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद विद्या, बहुत ही सरल तरीके से आपने बात रखी, और आपकी हिंदी सुन के तो कोई शायद कह नहीं पाएगा कि आप दक्षिण भारतीय है, बहुत अच्छे से बोली आप। तो अभी ज्यादा समय ना लेते हुए मैं किरण का परिचय देके किरण को आमंत्रित करना चाहूंगा। किरण विस्सा रायतु स्वराज वेदिका के साथ जुड़े हैं, जो आंध्रा और तेलंगाना में खेती किसानी के मुद्दों पे किसानों के साथ काम करते हैं, और रायतु स्वराज वेदिका के अलावा ये आशा के साथ भी जुड़े हैं, अलायंस फॉर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर, तो सतत और संपूर्ण खेती के लिए जो अभियान है, तो उसके समन्वय समिति के भी एक सदस्य है, और इसके अलावा ऑल इंडिया AIKCC अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के भी सदस्य हैं, और संयुक्त किसान मोर्चा के लिए भी सदस्य हैं। तो और इन्होंने इस बजट पे काफी गौर से इसको पढ़ा है और इसकी प्रतिक्रिया भी की है, तो अभी मैं किरण को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो कृषि बजट के बारे में थोड़ा हमें बताए, और फिर दोनों वक्ताओं को अगर कोई सवाल जवाब है तो उसकी तरफ बढ़ेंगे। किरण, आप अपना प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे या हम इसे कोई करें? I can share the presentation. Okay. तो किरण एक प्रेजेंटेशन करेंगे, तो उनके स्लाइड्स अंग्रेजी में होंगे लेकिन वो बोलेंगे हिंदी में। ठीक है, सभी को नमस्कार। नचिकेत, मेरे स्लाइड्स दिख रहे हैं ना? यस यस, स्लाइड भी दिख रहा है, आपकी आवाज भी आ रही है। ओके, अच्छी बात। तो सबको नमस्कार, और मेरी हिंदी विद्या इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। तो ये 2023-24 का दो हफ्ते पहले जो बजट पेश किया गया था, उसमें किसानों के लिए क्या है, तो इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो पहली बात, तो जो भी बजट के स्पीच सुने हैं पिछले कुछ सालों में, बजट के स्पीच सुने हैं, ये बहुत ही स्ट्राइकिंग था कि हर एक साल वित्त मंत्री जब बजट पेश कर रहे थे 2018 से लेके, खास करके कृषि के बारे में सबसे पहले बोले थे, और कृषि के बारे में जो भी, कृषि क्षेत्र में जो भी परियोजना और इन्वेस्टमेंट्स करने हैं उसको बहुत ही हाईलाइट करके बोलते थे, लेकिन इस बार वो भी इतना नहीं दिखा। और जब हम उसके स्पीच के कंटेंट में जाते हैं, तो इसमें ये भी एक बहुत ही स्ट्राइकिंग था कि वो जो भी अपने सरकार के सभी मुख्य परियोजना जो भी है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो सकता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो सकती है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो भी प्रधानमंत्री के नाम पे इन्होंने कई सारे परियोजनाएं लाए हैं, या आत्मनिर्भर भारत के अंदर जो इन्होंने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एस्टैब्लिश किए हैं, ये सभी जो उनके सरकार के प्रमुख परियोजनाएं हैं,
उसके बारे में बिल्कुल ही जिक्र नहीं किया। उसका परफॉर्मेंस क्या है, इसमें क्या होगा भविष्य में, इस कई सारे नई नई बातें इन्होंने लाई है। उसमें एक बात तो इन्होंने कहा कि मिलेट्स यानी कि श्री अन्न करके इसको जो मोटे अनाज होते हैं उसके उस क्षेत्र में और बढ़ावा देंगे मोटे अनाजों को, ये इन्होंने घोषणा की है। और ये जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है अभी इस साल 2023, तो इसके ऊपर जिक्र करते हुए इसको एक नया नाम मोटे अनाज के बजाय श्री अन्न कहके इन्होंने कॉइन किया है और इसके इसको बढ़ावा देंगे ऐसा इन्होंने घोषित किया, लेकिन इसका कुछ खास करके बजट एलोकेशंस नहीं है। वैसे देखें तो कई सारे चीज इन्होंने जो बजट स्पीच में बताया उसके लिए ज्यादा बजट एलोकेशंस की बात तो नहीं की। फॉर एग्जांपल जो नेचुरल फार्मिंग के लिए एक नया मिशन यानी प्राकृतिक खेती के लिए एक नया मिशन इन्होंने घोषित किया, लेकिन बजट एलोकेशन के बारे में कुछ नहीं कहा। और बजट डॉक्यूमेंट्स में अगर जाके देखें तो इसके लिए सिर्फ 450 करोड़ इन्होंने उसके लिए लगाया था। और एक हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम करके, एक एग्रीकल्चर एक्सिलरेटर फंड करके, ऐसे सभी कई सारे चीज इन्होंने बजट स्पीच में नई नई बातें सामने लाई। और ज्यादा उनकी बात ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी हुआ था कि एक मार्केट में या जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो पैक्स करके जिनको बुलाया जाते हैं उनके लिए डिजिटल उनका कंप्यूटर सेटअप और ये सब करने के लिए इन्होंने एक परियोजना की घोषणा की। तो ज्यादातर बातें इस तरह की हुई थी लेकिन या नचिकेत आप आपका पहला स्लाइड ही दिख रहा है, अगर आप आगे बढ़े तो आपका स्लाइड नहीं बढ़ रहा है। नो दिस थिंग्स आई डिड नॉट पुट ऑन स्लाइड बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ वर्बल थिंग मेनली द फिगर्स इज व्हाट आई पुट इन द स्लाइड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है या वन सेकंड ओके। तो ये सब बातें तो बजट स्पीच में थी लेकिन जब हम बजट डॉक्यूमेंट्स में जाके देखें तो हमें एक दूसरा ही चित्र दिखाई दिया। क्योंकि जैसे मैं कह रहा था कि जो भी अपने सरकार के प्रेस्टिजियस और फ्लैगशिप स्कीम्स जो थे, सबसे प्रमुख परियोजना जो थे, उसके बारे में उनके बारे में कुछ भी बात नहीं कहा वित्त मंत्री ने। तो अगर बजट में जाके देखें तो इसका एक रीजन तो साफ नजर आया क्योंकि बजट एलोकेशंस में बहुत कटौती हुई एग्रीकल्चर और कृषि और कृषि के एलाइड जो सेक्टर्स होते हैं ये सब में। पहले टोटल बजट जो पूरा बजट है 45 लाख करोड़ का, उसमें 3.84% था पिछले साल, यानी 3.8% था कृषि और उसके एलाइड सेक्टर्स का जो शेयर है वो बहुत कम किया गया है, अभी सिर्फ 3.2% है। और सिर्फ ये उसका शेयर ही नहीं, एब्सोल्यूट टर्म्स में भी यानी कि जितने ठोस पैसे इसमें इन क्षेत्र में लगाए हैं उसका भी कम कर दिया गया है। ये फिगर्स भी स्लाइड्स में है, मैं पूरा फिगर्स में बातों में नहीं कहना चाहता लेकिन जनरली अगर आप देखें तो 1.5 लाख करोड़ था पिछले साल, लेकिन उसको कम करके 1.4 लाख करोड़ के करीब इसको लाया गया है। और ये भी हमने देखा है कि ये हर एक साल यही कहानी हमारे सामने आ रही है।
तो यहाँ जो एक छोटा सा टेबल है उसमें ये कृषि और एलाइड सेक्टर्स का टोटल बजट में कितना शेयर है, ये अगर हम देखें इसके आंकड़े, तो पिछले 5 साल में 2019-20 से लेके हर एक साल ये कम होता ही जा रहा है, 5.44%, 5.09, 4.26, 3.84, 3.20, यानी कि 5 साल में इसका शेयर तो लगभग आधा हो गया है। तो ये एक बहुत ही खास बात है जो किसानों को भी और किसानों के साथ जो काम कर रहे हैं उनको भी समझने की जरूरत है। और जब जब टोटल बजट कम हो जाता है तो ये ऑब्वियस है कि कई सारे स्कीम्स में भी कटौती हो जाती है। तो ये जो बड़े बड़े स्कीम्स हैं, खास करके प्रधानमंत्री के नाम पे भी घोषित किए गए स्कीम्स हैं, उनमें अगर हम उनका बजट देखें ज्यादातर हमें कटौती दिखाई देती है। यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो क्रॉप इंश्योरेंस का योजना है उसमें 12% इन्होंने कटौती की है पिछले साल के से कंपेयर करके देखे तो। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपए किसानों के अकाउंट में डालने वाला जो स्कीम है उसमें भी कटौती हो गई है 68,000 करोड़ से 60,000 करोड़। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो इरिगेशन का स्कीम्स है, खास करके माइनर इरिगेशन का स्कीम्स है, उनमें तो 22% कटौती हो गई है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना उसमें तो 31% का कटौती हो गई है। और सबसे मुख्य बात यह भी है कि जो किसान पूरे देश में एमएसपी के बारे में बात कर रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को अमल करने के लिए जो भी स्कीम्स हैं उनमें भी उनको तो पूरा निकाल दिया गया है बजट से, यानी कि 0.1 करोड़, सिर्फ 10 लाख नाम के वास्ते इसको इसमें लगाए हैं। तो ये हमें दिखाई देता है अगर स्कीम ब स्कीम देखें तो। और ये भी एक चीज हमने नोटिस किया है कि पिछले साल के आंकड़े अगर देखें तो बजट एक्सपेंडिचर यानी कि बजट घोषणा करते वक्त जितना एलोकेशन इन्होंने बताया है और अभी एक साल लगभग हो गया है, तो रिवाइज्ड एक्सपेंडिचर जो इस साल के बजट के घोषणा में बजट के पेपर्स में आते हैं, रिवाइज्ड एक्सपेंडिचर उसमें भी हमें साफ दिखाई देता है कि बजट एक्सपेंडिचर में जितना बजट घोषणा की है उसमें से बहुत कटौती हुए जब वो उसका एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो ये भी हर एक स्कीम में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देखें, कृषि सिंचाई योजना देखें, फसल बीमा योजना देखें, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि उन्नति योजना और जो प्राइस सपोर्ट का स्कीम है, सभी में बहुत बड़ी तरह से अंडर स्पेंडिंग जो कहते हैं वो हमें दिखाई देता है। और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के बात कर रहे थे तो हमें याद होगा कि 2018 में 2018 में जब अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर थे और तब के बजट स्पीच में बहुत ही फैनफेयर के साथ इन्होंने कहा कि हमारे सरकार सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा रहा है, और इन्होंने कहा कि हमारे सरकार सुपरफिशियल चीज नहीं करती है, सिर्फ ये समर्थन मूल्य घोषित करने से कुछ नहीं होता है किसानों के लिए, हर एक किसान को कृषि ये समर्थन मूल्य मिलना चाहिए वास्तव में जब वो मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं, इसका भी हमारा सरकार एश्योरेंस देती है, गारंटी करती है। ये घोषणा इन्होंने बजट स्पीच में किया था और उसके बाद एक फिर एक बार प्रधानमंत्री के नाम पे एक और स्कीम प्रधानमंत्री आशा करके, यानी अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम आशा करके एक स्कीम इन्होंने घोषित किया था 2018-19 में, लेकिन उसका एलोकेशन भी अगर हम देखें और उसका एक्सपेंडिचर भी अगर हम देखें
तो पूरा वो स्कीम को खत्म ही कर दिया है। पहले साल तो 2000 करोड़ था, उसके बाद में उसको कम करके 1500 करोड़ और 500 करोड़ 400 करोड़, और पिछले साल सिर्फ 1 करोड़, और इस साल तो पूरा इसको हटा दिया गया है। तो यानी कि इस सरकार का समर्थन मूल्य के तरफ कितना कमिटमेंट है वो इस स्कीम के एलोकेशन से हमें दिखाई देता है। दो ही स्कीम्स हैं गवर्नमेंट में, ये पीएम आशा स्कीम है और प्राइस सपोर्ट और मार्केट इंटरवेंशन का स्कीम है। ये दोनों ही ऐसे स्कीम हैं जो समर्थन मूल्य किसानों को दिलाने के लिए ये स्कीम्स हैं। अगर इसमें पैसे नहीं लगाएंगे तो सिर्फ एमएसपी घोषित करने से किसानों का कुछ फायदा नहीं होगा। ये तो अरुण जेटली की बात भी थी, सिर्फ हमारी बात नहीं है। तो ये एक चित्र हमारे सामने आता है। और लास्टली ये भी है कि जो डबलिंग फार्मर्स इनकम, यानी कि सभी किसानों का आमदनी जो दुगना करने का जो प्रॉमिस था 2015-16 में, 2016 के बिगिनिंग में इन्होंने, शुरू में इन्होंने घोषित किया था, वो 6 साल तो पूरे हो गए 2022। तो अभी अगर हम देखें तो वाकई क्या किसानों की आमदनी दुगनी हुई क्या नहीं, इसके बारे में एक भी बात सरकार ने नहीं की, वित्त मंत्री ने नहीं की, और जो रिपब्लिक डे स्पीच है उसमें भी नहीं था इसके बारे में बात। लेकिन पिछले साल तक हर एक साल सरकार इसी बात इसके ऊपर बात कर रही थी, लेकिन इस साल तो पूरी छुपी हमें दिखाई दिया। तो इसका अगर हम सच देखें तो इसका भी हमने कैलकुलेशन किया है ऑफिशियल आंकड़ों को लेके, जो 2015-16 में सरकार के डबलिंग फार्मर्स इनकम के रिपोर्ट में जो बेसलाइन इन्होंने चुना था वो 8000 के करीब, यानी कि हर एक महीना एक किसान परिवार की आमदनी 8000 थी, और अगर इसको 6 साल में दुगना करना है, और ये भी इन्होंने कहा था कि इन्फ्लेशन को भी, जो बढ़ते हुए दाम है उनको भी अकाउंट में लेते हुए हम उसको डबल करेंगे, यानी कि 2022 तक आमदनी 21000 तक पहुंचना था, 21000 तक पहुंचना था। लेकिन अभी तो अगर हम ऑफिशियल आंकड़ों से प्रोजेक्शन करें सिर्फ 12500 तक पहुंचा है, यानी कि इतना फासला है जो उनका प्रॉमिस है डबलिंग और ऑफ फार्मर्स इनकम का, और आज की वास्तव स्थिति में फार्मर्स इनकम कितना है। तो ये भी हमें दिखाई पड़ता है कि किसानों की का स्थिति कैसे है। और आखिरी में ये कहना चाहता हूं कि इसके बारे में स्लाइड नहीं है, लेकिन ये बजट घोषणाओं को समझने में एक और बात पे भी गौर करने की जरूरत है कि ये सरकार बहुत सारे फंड्स की घोषणा कर रही है। अगर हम अगर आपको याद होगा जब कोरोना के पहले साल में ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज 20 लाख करोड़ का जो इन्होंने घोषणा की थी, उसमें 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की भी घोषणा की थी, और 10,000 करोड़ से ज्यादा एक एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की भी घोषणा की थी। जब ये फंड्स की घोषणा करते हैं ये बहुत बड़ा हेडलाइन बनता है कि 1 लाख करोड़ किसानों के लिए, लेकिन 3 साल के बाद अगर हम देखें इसमें कितना एक्सपेंडिचर हुआ है तो सिर्फ 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़ में सिर्फ 10,000 करोड़ का खर्च हुआ है अभी तक 3 साल में। लेकिन इनका घोषणा था कि 5 साल में 1 लाख करोड़ की खर्च करेंगे। और ये भी एक बात है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कहते हैं तो वो किसानों को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को किसी कंपनी को लोन करने की बात है, ये ग्रांट नहीं है। ये जो भी पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स की घोषणा कर रहे हैं ये सब लोन्स हैं। लोन्स देने में भी ये सिर्फ 10% फंड्स का डिस्बर्सल हुआ है अभी तक। और फिर इस साल के बजट में एग्री एक्सेलरेटर फंड का एक घोषणा हुआ है, मत्स्य संपदा योजना का एक घोषणा हुआ है जिसका इन्होंने 6000 करोड़ का अनाउंसमेंट किया है,
लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप बजट में देखें तो वो 6000 करोड़ नहीं दिखाई देते, क्योंकि वो 6000 करोड़ है एक फंड जिससे लोन दिए जाएंगे भविष्य में। कितने लोन दिए जाएंगे, कितने लोगों को लोन दिए जाएंगे, ये तो मालूम नहीं है, लेकिन 6000 करोड़ फिशर कम्युनिटी के लिए ये एक हेडलाइन बन जाता है। तो ये पैटर्न हमें दिखाई देता है कि बहुत सारे फंड्स की घोषणा की जाती है, बहुत बड़े आंकड़ों की घोषणा की जाती है, लेकिन एक्सपेंडिचर में इतना नहीं दिखाई देता है। यही मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू नचिकेत। धन्यवाद किरण। वास्तव में चाहे पर्यावरण हो या कृषि के क्षेत्र में हो, अंग्रेजी में एक कहावत है, पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, तो जो इसका मतलब है कि आप जो कह रहे हैं उसके पीछे आप पैसे भी डालिए। तो कहने के लिए कुछ होता है, लेकिन जब बजट में पैसे देने होते हैं तब कुछ और ही होता हो रहा है। तो ये पर्यावरण में और कृषि के क्षेत्र में दोनों में साफ साफ निकल के आ रहा है। तो अभी हम थोड़ा सवाल जवाब का के लिए हमारे पास समय है, तो जिनका भी सवाल है अगर आप जूम में अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं तो आप विद्या से या किरण से या दोनों से आपका अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो किसी के कोई सवाल है तो आप इसमें, हाँ अनुमेहा का एक सवाल है, उसने अनम्यूट भी किया है। अनुमेहा हाय, थैंक्स नचिकेत। मैं बस थोड़ा सा समझना चाह रही थी किरण, जो आपने रिवाइज एस्टिमेट और अभी का बजट दिखाया, क्या आप ये बताना चाह रहे थे कि उन्होंने जब एक्सपेंडिचर कम हुआ तो इस साल में जितना हुआ था उस उतना ही मतलब उसको कम कर दिया उस हिसाब से, कि इसमें हम स्पेंडिंग नहीं कर पा रहे तो हम उसको जितना कर पाए उतना ही कर रहे हैं, और स्पेंडिंग नहीं हो पाने के क्या कारण है? स्पेंडिंग ना होने पाने की क्या कारण है वो तो पता नहीं है। हम जो किसानों के तरफ से देखते हैं तो स्पेंडिंग अगर नहीं हुआ तो उसके बारे में इतना कमिटमेंट नहीं है सरकार के, ऐसा ही सोचना पड़ेगा। लेकिन आंकड़ों के बारे में क्लैरिफिकेशन है कि जब हम 2022-23 और 23-24 का कंपैरिजन कर रहे हैं तो दोनों के बजट एक्सपेंडिचर का कंपैरिजन कर रहे हैं। एक बजट एक्सपेंडिचर होता है, रिवाइज्ड एक्सपेंडिचर होता है। बजट एक्सपेंडिचर का ही हम कंपैरिजन कर रहे हैं क्योंकि हर एक साल हमें यह दिखाई देता है कि बजट एक्सपेंडिचर से कंपेयर करते हैं तो रिवाइज्ड एक्सपेंडिचर कम ही हो रहा है, और अगले साल बजट एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, बजट एक्सपेंडिचर को ही कम किया जा रहा है, और फिर उस साल रिवाइज्ड एक्सपेंडिचर और कम हो रहा है। तो बजट एक्सपेंडिचर और बजट एक्सपेंडिचर का बीई का हम कंपैरिजन कर रहे हैं एक साल से दूसरे साल। और दूसरा स्लाइड था जो पिछले साल का बजट एक्सपेंडिचर और रिवाइज्ड एक्सपेंडिचर का कंपैरिजन, दोनों में हमें बहुत ये कटौती जो है वो दिखाई दे रही। और थोड़ा मैं कहना चाहूंगा जो लोग जुड़े हैं उनके लिए कि बजट एक्सपेंडिचर होता है कि जब बजट की घोषणा होती है साल की शुरुआत में तब सरकार अनुमान लगाती है कि कितना पैसा लगेगा शायद पूरा साल में। तो अगर किसी स्कीम के लिए वो अनुमान लगाते हैं कि शायद 100 रुपए खर्च होंगे, और रिवाइज एक्सपेंडिचर ये होता है कि साल के अंत में जो अब जो 22-23 की वित्तीय वर्ष खत्म होने को आ रही है तो सरकार कहती है कि हमें लगा कि 100 रुपए खर्च करेंगे लेकिन सिर्फ 90 रुपए खर्च हुए। तो जो जितना उन्होंने घोषणा की वो भी कम था लेकिन खर्च किया वो घोषणा से भी कम हुआ। तो बात ये बात हो रही थी। हाँ मोरू जी, हाथ खड़ा नहीं कर पा रहा था और मैं सीधा ही बोल दिया, सॉरी। हाँ जी हाँ जी। तो मेरा तो ये है कि ये पीएम सम्मान निधि में भी कटौती, तो क्या उसके लिए कोई ऐसा लिखा गया है बजट में कि ये क्या किसानों को किसानों की संख्या कम किसानों को देंगे या जो नए जुड़ रहे हैं उनको नहीं देंगे, ये कटौती किस प्रकार से की जा रही है, वो कोई इसमें थोड़ा सा स्पष्टीकरण दे, क्योंकि पिछली बार भी कम हुआ इस बार कम हुआ तो कैसे इसको देखते हैं? तो इसमें दो बातें हैं।
हमें दिखाई देता है कि किसानों की संख्या जो है, जो बेनिफिशियरीज है इसमें, उसमें उसको कम किया जा रहा है. उसके रीजंस क्या है उसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट के स्पीच में भी और वित्त मंत्री के स्पीच में भी इन्होंने जो 11.2 करोड़ 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को हम पैसे दे रहे हैं, वो 11 करोड़ तो नहीं रहा है, अभी 10 करोड़ के आसपास पहुंच गया है, 10 करोड़ से भी कम है, क्योंकि 60,000 करोड़ ही इनका एक्सपेंडिचर है. अगर एक परिवार को 6,000 रुपए देंगे तो 10 करोड़ से कम किसानों को अभी पैसे मिल रहे हैं. और दूसरी बात है नए किसानों को स्कीम में लाने का, ये तो अभी तक इनके पास कुछ प्रावधान ही नहीं है. 2019 में जब स्कीम की घोषणा हुई थी तब इन्होंने जाके हर एक राज्य से एक लिस्ट मांगा था, और उस लिस्ट के हिसाब से ही पिछले 4 साल में ये ट्रांसफर्स हो रहे हैं. लेकिन राज्यों ने अपना किसानों का लिस्ट वो अपडेट कर रहे हैं. हर एक राज्य का अपना अपना जो स्कीम्स होते हैं उसमें तो किसानों को और नए किसानों को वो जोड़ रहे हैं, लेकिन वो नए किसानों को केंद्र सरकार अपने किसान सम्मान निधि स्कीम में जोड़ नहीं रही है. ये बहुत ही बड़ा एक किसानों का कंप्लेंट भी है कि राज्य सरकार से रैतु बंधु हो या कालिया हो या रैतु भरोसा हो, उनको मिल रहा है, लेकिन पीएम किसान के पैसे नहीं मिल रहे हैं क्योंकि सेंटर अपना लिस्ट अपडेट नहीं कर रहा है. दूसरा इसमें ये जो फसल बीमा है, फसल बीमा में वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों फसल बीमा कंपनी को प्रीमियम देती है, जितना किसान देता है उससे 10 गुना ज्यादा. तो ये क्या अब पूरा किसानों को ही देना, मतलब वो कम बजट कम किया है तो इसका मतलब किसानों को ज्यादा देना पड़ेगा प्रीमियम, या किस आधार पे उसमें बजट में आगे आपने जो वो रिसर्च किया है, आपने जो अध्ययन किया है उसमें क्या लगता है? नहीं, उसमें भी किसानों की संख्या बहुत कम हो गई है, इसीलिए बजट भी कम हुआ है. और राज्य सरकार का शेयर भी इन्होंने गाइडलाइंस थोड़ा बदल के राज्य सरकार का शेयर भी इन्होंने बढ़ाया है कुछ फसलों में. लेकिन ज्यादातर ये जो कटौती हमें दिखाई दे रही है ये दिखाती है कि किसानों की संख्या, जो स्कीम का कवरेज है वो बहुत कम होता जा रहा है. इनका पहले से जो डिक्लेयर्ड टारगेट था कि पहले साल वो 30% कवरेज करेंगे, दूसरे साल 40%, तीसरे साल 50% तक पहुंचेंगे, लेकिन अभी तो ये कवरेज जो है स्कीम का वापस जाके ये 24% तक वो कम हो गई है. धन्यवाद किरण. कुछ सवाल चैट में आए हैं तो मैं उनको थोड़ा लूंगा. समीर जी, आपका एक सवाल है, मुझे पता नहीं किससे है. इनका सवाल है कि मुझे लगता है, जो मुझे समझ में आया, या समीर जी अगर आप अनम्यूट करके खुद पूछना चाहते हैं तो आप भी पूछ सकते हैं. जो मुझे समझ में आया वो ये है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है. Mitigation from agriculture or any provision or just focus on adaptation only. So that's what my question was. So ye aap Vidya ya Kiran ya dono se? Yeah, I think anyone could take this. If you're okay, agriculture ka main pehle bata deta hun ki jab mitigation ki baat hoti hai to zyada tar ye either disaster relief ke roop mein hota hai ya क्रॉप इंश्योरेंस के रूप में होता है. क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम का अभी हम बात कर रहे थे जो सक्सीड नहीं हुआ है जितना इन्होंने प्रोजेक्ट किया था.
तो बहुत सारे लोग ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर आ रहे हैं, बहुत सारे राज्य भी इसके बाहर ऑप्ट आउट कर रहे हैं, गुजरात भी इसे ऑप्ट आउट किया, प्रधानमंत्री का खुद का राज्य भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बाहर है अभी. तो दैट इज द थिंग विद आई थिंक दोज आर द मिटिगेशन थिंग्स. एज फार एज अडेप्टेशन इज कंसर्न, आई थिंक जो प्राकृतिक खेती है, जो ड्राई लैंड्स में मिलेट्स और ये मोटे अनाज का प्रोत्साहन देना, ये सब अडेप्टेशन में हम काउंट कर सकते हैं. लेकिन मेरा खुद का असेसमेंट है कि इसमें जितना बात हो रहा है इसके लिए इन्वेस्टमेंट और एक बहुत मजबूत स्कीम बना के ये अडेप्टेशन को प्रोत्साहित करना, ये अभी तक नहीं हुआ है. विद्या, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? No, I think I'll just add to what Kiran just said, कि natural farming का जो अगर आप speech पे देखेंगे तो natural farming पे bio fertilizers पे काफी ज्यादा focus है, पर actually mitigation और adaptation की जो बातें होनी चाहिए, जैसे disaster relief काफी आप देख रहे हैं कि आपके western coast पे अभी जितना cyclones का frequency बढ़ता जा रहा है, Bay of Bengal anyways disturbed था, but अभी Arabian Sea में भी the whole western coast is like constantly frequently वहां cyclones का प्रभाव हो रहा है, उससे जो एग्रीकल्चर, उससे जो आपके मछुआरे साथी जो यू नो ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स जो प्रैक्टिस करते हैं उनके ऊपर जो प्रभाव है, उसके लिए कोई भी मिटिगेशन या अडेप्टेशन का कोई प्रावधान नहीं रखा है. इनफैक्ट ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक है, क्योंकि अभी COP27 में लॉस एंड डैमेज के लिए इंडिया ने एक्चुअली डेवलपिंग नेशन ब्लॉक के साथ काफी ज्यादा एडवोकेसी करी थी कि लॉस एंड डैमेज का एक फाइनेंशियल पैकेज होना चाहिए जो उन समुदाय उन कम्युनिटीज को सपोर्ट करे जो कि जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित है. पर ताज्जुब की बात है कि COP27 में इंडिया ने इंटरनेशनल फ्रंट पे काफी ज्यादा एडवोकेसी करी थी, पर अपने डोमेस्टिक बजट में, अपने डोमेस्टिक पॉलिसीज में उसके ऊपर कोई प्रावधान नहीं रखा है. तो यस, आई जस्ट वॉन्टेड टू एड. अमृता जी, आपके पास आने से पहले मैं बस दो बातें जोड़ना चाह रहा हूँ. तो जो ये मिटिगेशन और अडेप्टेशन की बात हो रही है वो ये है कि अगर जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उससे जो असर और प्रभाव पड़ रहा है, उस असर और प्रभाव कम हो और लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो, उसको मिटिगेशन बोलते हैं. और अडेप्टेशन मतलब जलवायु परिवर्तन के अनुकूल चीजें करें ताकि जलवायु परिवर्तन कम हो और उसके हिसाब से हम चीजें करें, तो उसको एडेप्टेशन कहते हैं. अंबिका जी. जी, मेरा प्रश्न है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर. चूंकि हम झारखंड से हैं, झारखंड में एक डैम है स्वर्णरेखा डैम, जिससे हम विस्थापित भी हैं, और विस्थापित होने के कारण जो जमीनें हमसे ली गई, हम क्योंकि उसमें पानी नहीं भरा होने से हम लोग खेती करते हैं, और खेती करने के कारण हम लोग मैंने बीमा भी किए 2017, ठीक से हमको डेट याद नहीं, लेकिन हम लोग बीमा किए थे पूरे गांव, एक गांव का. तो बीमा करने के बाद कंपनी बीमा का मैंने प्रीमियम लिया और बीमा भी किया, और उसके बाद जब देने की बारी आई तो कहा कि ये गाँव विस्थापित है, यहाँ बीमा नहीं दिया जा सकता है. तो इसका मैंने ये किस तरह से क्या है, नियम क्या है इसका, कि बीमा करने के बाद भी कंपनी क्या बीमा राशि नहीं दे सकती है क्या? प्रश्न एक है. दूसरा, मुझे ये समझ में नहीं आता है, मैं जब किसानों को यहाँ देखता हूँ तो किसी भी किसान, बहुत सारे किसानों का इनकम 2-3 हजार रुपया है, लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर पर कह दिया जाता है कि 8 हजार है, 12 हजार इनकम हो गया. तो इसमें एक भ्रम भी पैदा होता है और समझ का भी फेर होता है. तो ये दो बातें मुझे थोड़ा सा क्लियर किरण जी कर दे तो अच्छा. किरण? या, वी लॉस्ट पावर अगेन, सो आई हैड टू रीकनेक्ट, सो आई डोंट हैव अ वीडियो ऑन. जो अंबिका जी, ये जो किसानों की आमदनी की बात है, तो वो तो मैं ऑफिशियल आंकड़ों के हिसाब से मैं कह रहा था.
लेकिन जब इन्होंने ये जब ये 8000 की बात भी कर रहे हैं वो एक ग्रामीण परिवार की आमदनी है, पूरे परिवार की आमदनी है, जिसमें सिर्फ खेती से जो आमदनी आती है वो ही नहीं है, खेती से आमदनी है उसमें और उनको वेजेस के रूप में अगर किसी लेबर के काम पे जाते हैं उसको भी उसमें शामिल करते हैं, और मान लीजिए उस परिवार में कोई नौजवान शहर में काम कर रहा है उससे कुछ इनकम आ रहा है और वो फैमिली को भेज रहे हैं, वो सब भी इसमें आ जाते हैं। तो जब 8000 की अगर हम देखें इसका ब्रेकअप तो लगभग 3500 रुपए खेती से यानी फसल उगाने से आते हैं और लगभग 1000 रुपए लेबर से आता है और बाकी जो है बाकी 3500 रुपए जो है वो खेती या एग्रीकल्चर लेबर के अलावा कुछ और ऑक्यूपेशन आ रहा है, कुछ ऑटो भी चला सकते हैं, कुछ कुछ भी चला सकते हैं। तो ये आमदनी की बात है उसका, ये पूरा खेती की आमदनी नहीं है और ये भी एक एवरेज है, पूरे देश का एवरेज है। तो इसमें पंजाब के किसानों का एक और चित्र होगा और झारखंड के किसानों का कोई बिल्कुल ही अलग चित्र भी होगा। तो ये सब को नजर में रखते हुए उसको देखना है उस उन आंकड़ों को। और दूसरा उनका फसल बीमा को लेके भी एक सवाल था, सवाल दोहरा था क्या? या सिर्फ सवाल ये था कि हम लोग विस्थापित हैं डैम से, विस्थापित होने के कारण जमीनें अभी डूबी नहीं है उस लेवल पर, तो हम खेती करते हैं लेकिन सरकार ने उसका पैसा दे दिया है फिर भी हम खेती करते, गांव छोड़े नहीं है, तो हम उन फसलों का बीमा करवाए थे, तो बीमा करवाने के बाद कंपनी फसल बीमा की और उसके बाद देने की बारी जब आई तो उसने कह दिया कि यह विस्थापित गांव से, यह विस्थापित गांव था, यहाँ बीमा नहीं हो सकता था। और यहाँ झारखंड में एक बैंक करता है जो सहकारी ग्रामीण बैंक है, वो बहुत ही मैंने भ्रष्ट बैंक है, उस तरह का इंस्टीट्यूशन इसका जिम्मा लेता है, तो मैंने ये इसमें क्या हो सकता था, मैंने क्यों कह सकती है, ऐसा कह सकती है क्या, बीमा कंपनी के पास ऐसा अधिकार है क्या? तो पहली बात है कि अगर बीमा कंपनी आपके फसल का बीमा कर चुकी है एक सीजन में, यानी कि प्रीमियम भर चुके हैं, तो जरूर उनको ये क्लेम जो है उसको ऑनर करना पड़ेगा। लेकिन इसमें दो बातें हो सकती हैं कि आपके सहकारी बैंक जो है वो अगर प्रीमियम आपके अकाउंट से काटा है उन्होंने, लेकिन वो बीमा कंपनी को वो प्रीमियम नहीं दिए हैं, तो बीमा कंपनी ये कह सकती है कि हमें प्रीमियम नहीं मिला तो आप इंश्योर्ड नहीं है, वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर बीमा अगर प्रीमियम भर चुका है और वो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को मिला है तो किसी भी कारण से वो आपका आपका क्लेम ऐसा रिजेक्ट नहीं कर सकती है, इसके बारे में आप कोर्ट भी जा सकते हैं, ये मेरा समझ है। लेकिन अगले साल अगर बीमा कंपनी ये कहती है कि आपका जो डूब के क्षेत्र में है तो इसको हम बीमा नहीं कर सकते हैं, तो वो तो सरकार के पास ये मैटर जाके इसको निपटाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लीगल ऑब्लिगेशन उनके ऊपर नहीं है मेरे समझ में कि ये ऐसे एक्सक्लूजन्स वो नहीं कर सकते हैं, ऐसा लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। एक और इसी से जुड़ी हुई है, जल्दी फिर हमें समाप्त भी करना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक ही लाइन में ये है कि ये जो बीमा कंपनी बीमा कर लेती है, बैंक प्रीमियम काटती है और बैंक प्रीमियम बीमा कंपनी को भेज देती है, अब वो किसान को एक तो पता ही नहीं चलता है, जो बहुत सारे किसान है, कुछ किसानों को पता चलता होगा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो बैंक ने खाते में से काट लिया, इसका मतलब किसान ये समझता है कि उसके खाते से प्रीमियम जा चुका है, अब वो कंपनी को गया नहीं गया, जिस कंपनी के साथ सरकार का एमओयू है
उस कंपनी के पास गया या नहीं गया ये किसान को कंफर्म नहीं होता है, लेकिन किसान के खाते से कट जाता है तो इसका मतलब वो कंपनी के पास गया होगा, ऐसा विश्वास रहता है। लेकिन जब क्लेम की बारी आती है तब ये समस्या आती है। जैसे बहुत सारे यहाँ पर राजस्थान का मैं उदाहरण दूं कि बीमा कर दिया और उसके बाद क्लेम की बारी आई तो वो कचरे में वो चीज बोई हुई नहीं है जिस कचरे के लिए, और कंपनी ने कहा कि ये चीज बोई नहीं है, तो अब वो ना तो किसान का जो प्रीमियम कटा वो वापस आ रहा है और ना ही किसान को क्लेम मिल रहा है, जो हकीकत में फसल बोई हुई है लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो उस गिरदावरी रिपोर्ट में नहीं है। अब वो जो पटवारी ने क्या गिरदावरी की है उस रिपोर्ट में नहीं है, तो ऐसे में बहुत असमंजस की स्थिति हो जाती है। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बचत खाते से प्रीमियम कट जाता है तो लाभार्थी मान लेता है कि उसका कंपनी के पास गया होगा पैसा और कंपनी ने बीमा किया होगा। लेकिन ऐसे 5 केस ऐसे निकल के आए हैं जो दाइची जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको वो प्रीमियम जाता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा का, और 5 केस ऐसे हैं यहाँ पर जिनमें से अब बैंक ने हाथ खड़े कर दिए, बैंक का प्रीमियम कटा हुआ है, हर साल कटा हुआ है 3 साल से लगातार, लेकिन अब बैंक ने हाथ खड़े कर दिए कि अब हम क्या करें, वो तो कंपनी क्लेम नहीं दे रही है। कंपनी का एक लेटर आता है लाभार्थी के पास कि ये बैंक ने प्रीमियम गलत काटा है, आपकी उम्र इंश्योरेंस लायक नहीं थी, तो अब वो बैंक की गलती है, इंश्योरेंस कंपनी की गलती है, लाभार्थी को दुर्घटना की मृत्यु पर उसको कोई एक पैसा भी नहीं मिलता है, और ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है। हाँ शुक्रिया नूरज जी। तो शायद पूरा फसल बीमा योजना का डिस्कशन इसको नहीं करना चाहिए। तो आप जो भी समस्या है बोल रही हैं सभी जगह पे ये ऐसे ही समस्याएं हैं, इसीलिए फसल बीमा योजना एक फेल्ड स्कीम के तरह देख रहे हैं, क्योंकि इसके गाइडलाइंस में तो ये है कि हर एक किसान जो इंश्योर होता है उसको एक इंश्योरेंस सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, तब उनको भी पता होगा कि इंश्योरेंस हो चुका है और किस कंपनी के पास जाना पड़ेगा क्लेम के लिए सब। लेकिन 6-7 साल के बाद भी इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, दैट इज सर्टेनली वन ऑफ द सीरियस प्रॉब्लम्स। बट आई थिंक मे बी कुछ बजट के स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो तो उसमें जाना बेहतर होगा। हाँ तो और हम लगभग 1 घंटे का सोच रहे थे, 1 घंटे से ऊपर हो गया, तो आखिरी 2 सवाल लेते हैं। किरण आपके लिए एक मीरा का सवाल चैट में है, मैं उसको पढ़ भी देता हूँ, फिर मेरा एक सवाल विद्या से है और फिर हम समाप्त करते हैं। मीरा का सवाल है कि अगले साल केंद्र चुनाव 24 में केंद्र का चुनाव होने वाला है, उससे पहले ये एक तरीके से आखिरी बजट है, और क्योंकि कृषि के क्षेत्र के लिए पैसे बहुत कम बजट में रखा है, तो इसका आपको क्या लगता है, क्या परिणाम हो सकता है, क्या दोबारा किसान आंदोलन होगा इस बजट के वजह से MSP के कानून के लिए, ये मीरा की एक सवाल है। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये बजट पूरे हर एक राज्य में किसान आंदोलन और किसान संगठन जो हैं इसको धोखा के नजरिया से ही देख रहे हैं, यानी कि ये सरकार किसानों को इतना महत्व नहीं दे रहा है। आई थिंक दैट इज द मैसेज विच इज गॉन। किसान आंदोलन के तरफ से तो इस मार्च या अप्रैल से शुरू करके MSP का बहुत बड़ा अभियान करना है, ऐसा सोच और प्लानिंग हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा इन्होंने एक नेग्लेक्ट कर दिया है, इसका इम्प्लीमेंटेशन और उनके जो भी प्रॉमिसेस हैं, ये तो बहुत बड़ा इश्यू होने वाला है। धन्यवाद किरण। और विद्या से बस मेरा एक सवाल है कि वैसे कृषि के क्षेत्र में तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन अभी जो एक ज्वलन मुद्दा है बहुत ही, वो MSP का है या
ऋण माफी का है, तो इसके लिए हमें एक तरह से पता है कि बजट से हमारी मांग क्या है, और फिर उससे हम तुलना कर सकते हैं कि कृषि के क्षेत्र में क्या पर्याप्त बजट मिला है कि नहीं मिला है। तो ऐसे ही आपकी क्या अपेक्षा है पर्यावरण के नजरिए से, और आपके हिसाब से अगर एक पर्यावरण के लिए एक अच्छा बजट है तो उसमें आप क्या क्या चाहेंगे, इस पे अगर आप थोड़ा कह सकते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नचिकेत, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा विश लिस्ट बनेगा अगर उस बजट के लिए हमें पर्यावरणीय अनुकूल बजट बनाना है, तो इट विल बी अ वेरी बिग नाइस बिग विश लिस्ट। बट आई थिंक सबसे पहला जो पर्यावरणीय पर्यावरण के ऊपर सबसे बड़ा जो प्रभाव आया है वो है लीगल डाइल्यूशंस का, कि जैसे मैंने बोला था कि बजट में ही अपने वित्त मंत्री ने बोला है कि 29,000 बदलाव किए हैं कानूनी नीतियों में, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव रहा है पर्यावरण पे। तो अगर हम उस संदर्भ में जाएं कि अगर जो जो नीतियां कानूनी नीतियां भी हैं हमारे पास, जैसे कि अगर आपको याद होगा 2020 में EIA के ऊपर एक बहुत बड़ा मूवमेंट चालू हुआ था, पर्यावरणीय प्रभाव अधिनियम को पूरी बुरी तरीके से बदला गया था और पूरे देश भर में विरोध और आलोचना की थी, जहां पे चिट्ठियां लिखी गई थी। अगर और सरकार ने उस टाइम तो उसको रोक दिया, पर नोटिफिकेशंस के द्वारा वो जो जो प्रॉब्लमैटिक बदलाव वो लेके आना चाहते थे वो नोटिफिकेशंस के द्वारा वो लेके आ रहे। तो अगर हम उसी चीज को अगर रोक दे, अगर कानून जो अधिनियम है हमारे अभी 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 हमारे उसमें अगर पारदर्शिता लेके आए, अकाउंट जवाब भी ही लेके आए, और जो बदलाव आ रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अगर हम वो ही रोक पाए, आई थिंक वो बहुत बड़ी एक 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 जीत होगी हमारे लिए। और दूसरी बात है कि ये जितने भी स्कीम्स और इनिशिएटिव्स बन रहे हैं आपका जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं हमें जो प्रभावित समुदाय है उसका उसका पार्टिसिपेशन देखना बहुत जरूरी है। तो मैं ये नहीं मैं अभी इस समय ये नहीं बोल सकती कि कौन सा स्कीम कौन सा इनिशिएटिव सही रहेगा, पर मैं ये बोलना चाहूंगी कि जिस प्रोसेस के थ्रू ये इनिशिएटिव और स्कीम या बजट को हम बनाते हैं, उस प्रोसेस में जो प्रभावित समुदाय है उसका उसकी भागीदारी अगर हम बढ़ाएं, तो आई थिंक विल बी ऑन द राइट ट्रैक, हम सही दिशा में बढ़ेंगे। तो ये दो बहुत ही मॉडेस्ट रिक्वेस्ट और डिमांड्स हैं। आई थिंक अगर ये दो मॉडेस्ट रिक्वेस्ट और डिमांड भी पूरी हो जाए तो हम सही दिशा में ही बढ़ेंगे पर्यावरण को लेते हुए। That's it. बहुत बहुत धन्यवाद विद्या, और किरण आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने बहुत सरल और अच्छे तरीके से इतनी पेचीदगी मामलों को आपने समझाया, और बहुत लोगों ने चैट में भी अप्रिशिएट किया है कि आपने बहुत अच्छी तरीके से बातें रखी और समझाया, और अपने समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं शुभम को वापस हैंडओवर करूंगा, अगर उनके कुछ और अनाउंसमेंट हैं, और फिर इसको समाप्त करने के लिए। शुभम नचिकेत, जस्ट दैट लास्ट क्वेश्चन ऑफ अपर्णा, वुड यू लाइक टू आल्सो डू दैट इन हिंदी, बिकॉज एवरीबॉडी मे नॉट बी फॉलोइंग द इंग्लिश चैट। ओके तो ये एक जो जब प्रेजेंटेशन हुआ था इसमें जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो ये बजट एक्सपेंडिचर यानी बजट खर्च, और रिवाइज्ड एक्सपेंडिचर यानी रिवाइज्ड खर्च यानी साल के शुरुआत में कितना खर्च होगा उसका अनुमान, और साल के अंत में लगभग कितना वास्तव में खर्च हुआ उसका अनुमान के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया अंग्रेजी में वो एक्सपेंडिचर शब्द यूज किया गया, जबकि एस्टिमेट होना चाहिए था। तो ये अपर्णा जी ने इसको सही किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी के साथ मैं अदर पॉइंट नचिकेत, वो कृषि एग्रीकल्चर कृषि राज्य सरकार का सब्जेक्ट है, तो इसलिए जो केंद्र सरकार का रोल है वो इतना ज्यादा नहीं है। ये जो आर्गुमेंट है जो केंद्र सरकार भी अक्सर देती है जब वो अपना जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उससे पीछे हटने के लिए, तो उसके ऊपर भी हमें क्लैरिटी रहना चाहिए कि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में तो कुछ खास एक्सपेंडिचर्स जो हैं ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है,
तो इसमें केंद्र सरकार का कॉन्ट्रीब्यूशन कई सालों से महत्वपूर्ण रहा है। अगर फसल बीमा योजना देखें, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाने से पहले से भी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम था, ये सब थे। और ये जो प्राइस सपोर्ट स्कीम जो रहता है एमएसपी का इम्प्लीमेंटेशन का, या जो कृषि सिंचाई योजना, ये सभी स्कीम्स जो हैं, जिसका राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है केंद्र सरकार की अपने कॉन्ट्रीब्यूशन का। और राज्य सरकार का कॉन्ट्रीब्यूशन अलग होता है, अलग तरह के स्कीम्स भी होते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की जिम्मेदारी जो है, जो अब देख रहे हैं, तो पिछले साल के एलोकेशन से अगर कम हो रही हैं तो उसको तो देखना पड़ेगा। और उस स्कीम के लिए वास्तव में रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि अगर एमएसपी को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो प्राइस सपोर्ट स्कीम में वास्तव में शायद 10,000 करोड़ से ज्यादा एलोकेशन होना चाहिए, लेकिन पहले ही कम था, 2,000 करोड़ या 1,000 करोड़, और उसको भी कम किया जा रहा है। तो ये तो हमें इसके ऊपर गौर करना पड़ेगा। शायद अपर्णा जी भी इसके लिए कुछ बोलना चाह रहे हैं। जस्ट उससे पहले अभी मैंने चैट में देखा अनुमेहा का भी एक सवाल था, तो किरण अगर आप जल्दी से इसका भी जवाब दे देंगे फिर अपर्णा जी को सुन के हम समाप्त कर देंगे। अनुमेहा का एक सवाल है कि जो 3 कृषि कानून आए जिसको सरकार को वापस लेना पड़ा किसान आंदोलन के बाद, क्या आपको लगता है इस बजट के जरिए उन चीजों को वापस किसी तरीके से लाने की कोशिश की गई है? ये अनुमेहा का एक सवाल है, तो आप जल्दी से इसका बहुत ही संक्षेप में अगर जवाब देंगे फिर अपर्णा जी से सुन के समाप्त कर देंगे। हाँ, तो खास करके ऐसा नहीं दिखा है। अच्छा सवाल है, लेकिन दो बातें हैं। एक तो ये डिजिटलाइजेशन और जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्री स्टैक, ये सब चीज जो है इसको ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, वो तो साफ है। इसमें तो इस रूप में ज्यादा बड़े कॉरपोरेट कंपनियों का को बढ़ावा देने का एक प्रक्रिया जो चल रही है, आई थिंक दैट इज वन थिंग। और दूसरी बात है, जो पहले वाले बजट में यानी 2018 या 19 में जो घोषणाएं की गई थी, जैसे 22,000 रूरल हार्ट्स को अपग्रेड करके एक अच्छा एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम बनाना, और वो रेगुलेटेड मार्केट सिस्टम जो है हर एक गांव के 5 या 10 किलोमीटर दूरी में एक अच्छा मार्केट होना, ये सब पिछले 4 साल पहले जो बजट है उसमें बहुत अच्छे घोषणाएं की गई थी, लेकिन अभी उनके ऊपर कुछ भी बात नहीं हो रहा है। और वो 22,000 रूरल हार्ट्स का अपग्रेडेशन जो स्कीम है वो पूरा डिसअपियर हो गया है बजट से। ये भी हम एक देख सकते हैं कि जो अगर आप मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी से पूरा सरकार जो पीछे हटना चाहती है, वो सारांश था ये 3 एग्रीकल्चर एक्ट्स का, वो भी बजट में हमें दिख रहा है। धन्यवाद किरण। अपर्णा जी आप अपना बात रख सकते हैं, आपने भी हाथ उठाया है, सवाल है कि आप अपना बात रखना चाह रहे हैं? मेरा सवाल नहीं है नचिकेत, मैं आई हैव बीन पार्ट ऑफ द बजटरी टीम फ्रॉम द गवर्नमेंट दो आई हैव रिटायर्ड नाउ, सो जस्ट वांटेड टू अंडरस्कोर वन पॉइंट दैट यू नो एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, दैट डज नॉट मींस यूनियन गवर्नमेंट शुड बैक ऑफ फ्रॉम दिस सब्जेक्ट, बट यू नो देयर इज अ मैकेनिज्म दैट न्यू स्कीम्स आर सपोर्टेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट and all non-plan expenditure, the continuing schemes, they are with the state government. And centrally sponsored schemes are supported by the union, the central government. And also there is this state finance commission to which the central government allocate funds, and the major chunk of that, you know, state budget's major chunk, which is more than 35% from the state finance commission's resources, that goes to agriculture. So it is, the agriculture sector is not
exactly dried up because there are enough funds and state governments are very conscious about that. That is the mechanism. I just wanted to tell you that. Thank you, Aparna ji. So on that note, Shubham, I hand it over to you to conclude. So thank you, सभी को, विद्या जी और किरण जी, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा एक सेशन किया. थैंक यू. और नचिकेत जी, आपको भी बहुत ज्यादा धन्यवाद ये पूरे सेशन को मॉडरेट करने के लिए, यहाँ जुड़ने के लिए. धन्यवाद. जिंदाबाद.